नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। किराए के मकान और जॉब ट्रांसफर की वजह से आजकल लोगों के घर का पता जल्दी जल्दी बदलता रहता है। बैंकों के कई काम ऐसे होते हैं जिनके लिए होम ब्रांच जाना जरूरी होता है। इस वजह से ब्रांच बदलवाना कई बार जरूरी हो जाता है। हालांकि ये काम काफी पेचीदा होता है, लेकिन अगर आपका बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है और आप ब्रांच बदलना चाहते हैं, तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। बड़ी आसानी से घर बैठे भी ये काम आप मिनटों में निपटा सकते हैं। ऑनलाइन ब्रांच ट्रांसफर की पूरी प्रक्रिया हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। जानिए पहले ये जरूरी बात। SBI में ऑनलाइन बैंक अकाउंट ट्रांसफर करने से पहले कुछ जरूरी बातें जानना चाहिए। इस सुविधा का लाभ केवल वही लोग उठा सकते हैं जिनका अपने बैंक अकाउंट का KYC अपडेट है। इसके अलावा ऑनलाइन प्रोसेस तभी पूरा हो सकेगा जब आपका मोबाइल नंबर बैंक खाते से रजिस्टर हो। ऐसा होने के बाद आप SBI में ऑनलाइन बैंक अकाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं। बैंक ब्रांच बदलने का ये है प्रोसेस। SBI की वेबसाइट www.onlinesbi.com पर विजिट करें। इसके बाद पर्सनल बैंकिंग में यूजर नेम और पासवर्ड डालकर लॉगिन करें। फिर ई सर्विसेज के ऑप्शन पर क्लिक करें। इसके बाद ट्रांसफर ऑफ सेविंग्स अकाउंट के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। अपने खाता नंबर और शाखा का चुनाव करें। आप जिस ब्रांच में ट्रांसफर करना चाहते हैं उसका कोड डालें। कोड सही होने पर ब्रांच का नाम दिखेगा और उसे क्लिक कर कंफर्म करना होगा। इसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर IOTP को दर्ज करें। स्क्रीन पर एक मैसेज दिखेगा जिसमें लिखा होगा कि आपके ब्रांच ट्रांसफर अनुरोध को रजिस्टर्ड किया गया है, जो कि एक हफ्ते के अंदर हो जाएगा। एक हफ्ते के बाद आप लॉगिन करेंगे तो अकाउंट में नई ब्रांच का नाम दिखेगा। कुछ दिनों में चेंज हो जाएगा आपका होम ब्रांच। अगर आप SBI में ऑनलाइन बैंक अकाउंट ट्रांसफर की ये पूरी प्रक्रिया कर लेते हैं, तो इसके बाद एक हफ्ते के अंदर आपका अकाउंट नए ब्रांच में पहुंच जाएगा और आप वहां से बैंकिंग की सभी सुविधाएं ले सकेंगे। आप बने रहे हमारे साथ। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें। लाइव सिटीज के लिए पटना से जय भास्कर की रिपोर्ट।